बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामईन नादरीन, इस वक्त हम गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद के इकबाल हाल के सामने खड़े हैं। जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद कादरी साहब अपने कॉलेज के साथ मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार साहब गुलपाशी कर रहे हैं डॉक्टर शब्बीर अहमद कादरी पर फूलों के तोहफे। जनाब डॉक्टर माजिद मुश्ताक साहब, जनाब आसिफ साहब, जनाब डॉक्टर शब्बीर कादरी साहब, मोहतरमा डॉक्टर प्रवीण कल्लू साहब, डॉक्टर सईद अहमद, हमीद शाकर साहब, मियां बशीर अहमद एजाज यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और ये कॉलेज की मरकज़ी बिल्डिंग है जिसे आप देख रहे हैं, जहाँ डॉक्टर शब्बीर अहमद कादरी साहब ने अपनी ज़िंदगी के 42 इयर्स 42 साल बतौर तालिबे इल्म और फिर उसके बाद बतौर उस्ताद गुजारे हैं। और ये एक तारीखी लम्हा है, 22 जुलाई 2020 आज उनकी रिटायरमेंट का दिन है सरकारी मुलाजमत से, अपनी सरकारी हैसियत से। लेकिन जिस तरह के उनके बारे में कहा गया, हमीद शाकर साहब ने कहा कि मैं उनकी रिटायरमेंट को नहीं मानता, उनको रिटायर्ड पर्सन नहीं समझता। यहाँ मौजूद रहेंगे, आते रहेंगे, दिलों में मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा वक्त या लम्हा नहीं है जिसे वो रिटायरमेंट का लम्हा कह सकते हों। पहले दिन से ही अथक मेहनत कर रहे हैं। जनाब डॉक्टर शब्बीर कादरी साहब, आप इस वक्त कॉलेज की मेन बिल्डिंग के सामने खड़े हैं और आप कम अज़ कम 40-42 साल से इसको देख रहे हैं जी, बताइए आप इस तरह को मेरी तरह चेहरा कर लीजिएगा ताकि आपकी मादर इल्मी जो आपके सामने रहे जी। बताइए क्या तासरात है, क्या फील कर रहे हैं आज? जब आप पहले दिन आए थे उस वक्त आपने क्या महसूस किया था, और आज बतौर सर्वस आपका आखिरी दिन है, आज क्या महसूस कर रहे हैं जी कादरी साहब? हमेशा एक सरशारी महसूस की है। जैसा मैं कहता हूँ कि बंदा घर जाता है तो अपनी वालदा मोहतरमा से मिलता है, अपनी माँ की आगोश में जाकर सुकून महसूस करता है, तो ये मिसले आगोश मादर ही है। वाह वाह वाह। इदारे जो होते हैं ना, ये इनमें रहते हुए हमेशा एक सुकून का एहसास हुआ है, एक सरशारी हुई है, एक मोहब्बत को हासिल करने और मोहब्बत बांटने का जज्बा मिला है। और ये तालीमी इदारों की ये अदा होती है कि वो तालीम और तदरीस के साथ साथ तरबियत भी करते हैं, न सिर्फ तालबे इल्मों की बल्कि यहाँ जो मुअल्लिमीन होते हैं वो भी एक बिलवास्ता तौर पे सही एक तरह से तरबियत के अमल से गुजर रहे होते हैं, अपने मुस्तकबिल को, अपने आने वाले दिनों को संवार रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी संवार रहे होते हैं, अपने आमाल को संवार रहे होते हैं। तो ये इस पूरे एरिए में बहुत ही काबिले फ़ख्र एक ऐसी चार दीवारी है जहाँ इसके अंदर आके मुझे हमेशा सुकून मिलता है। और मैं अब यहाँ से एक मुलाजमत के इख्तिताम के दिन यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन वो जो कहते हैं कि बंदा कहीं भी चला जाए अपनी माँ से, अपने वतन से, अपनी सरजमीन से, अपने मोहल्ले और गली से दूर नहीं हो सकता। जो सुख छज्जू के चबारे वो बल्ख ना बुखारे। वाह वाह वाह। ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। चुनाचे ये जो अपना शहर है, अपना तालीमी इदारा है, और इस शहर में का अपना और अपने जो बड़े मेहरबान और बड़े जो होते ना किचन कैबिनेट होती है हर एक बंदे की, दोस्तों की, तो उसमें रहते हुए हम बहुत खुश रहते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे दोस्त अहबाब चारों तरफ मौजूद हैं, और इससे ज़्यादा खुशी का लम्हा किसी दोस्त के लिए क्या हो सकता है कि उससे मोहब्बत करने वाले, उसके चाहने वाले और उसके लिए खैर खाही के जज्बात रखने वाले उसके सामने मौजूद हों, उसके दाएं मौजूद हों, उसके बाएं मौजूद हों और हमेशा कलमाए खैर कहते रहें। तो आज मैं उसी सरशारी में यहाँ से रुख्सत हूँ जी। डॉक्टर शब्बीर कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप कॉलेज के हवाले से अपनी यादों को ताज़ा कर रहे थे। आपको याद होगा 8 दिसंबर को जब कॉलेज का दिन मनाया जाता रहा है जी। तो यही पे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर असमतुल्लाह खान साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह और फार असगर पीरोज साहब और बाकी अहबाब जमा होते रहे हैं और इस कॉलेज के यादें ताज़ा करते रहे हैं दौरे तालब इल्मी की। यही वो जगह होती थी, लाइन अप जगह भी यही है, ये लाइन अप आपको नजर आ रहा था जहाँ परचम लहराया जाता था, यहाँ पे असेंबली होती सुबह, मॉर्निंग सेरेमनी, दरस कुरान, बहुत तारीखी जगह। जी 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 जी, बहुत सारे अहबाब हमको लाइव देख रहे हैं इस वक्त, पूरी दुनिया से देख रहे हैं। डॉक्टर जाफर अकरम साहब देख रहे हैं, सैयद शाहजमान शमसी साहब देख रहे हैं और बाकी
सायम अली और बेशुमार लोगों ने ज्वाइन कर लिया है जो आपकी इस रिटायरमेंट की तकरीब को देख रहे हैं। याद आ रहा है कि डॉक्टर रियाज अहमद रियाज साहब की जब सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी से रिटायरमेंट हुई तो डॉक्टर रियाज जी साहब ने कहा जी कि हमने ना उन्हें उस मौका पर पहुंचना है। तो ये गालबन 20 साल से भी शायद ज़्यादा अर्सा हो गया है, तो 20-25 साल पहले तो बिल्कुल वही मंजर बना जी। मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब ने जब 86 में ज्वाइन किया था कैडेट कॉलेज हसन अफ़दाल तो उनके एजाज़ में फैसलाबाद में एक बहुत बड़ी तकरीब मनकद हुई थी एक होटल में, मैं उसमें भी शरीक हुआ था और जहाँ अल्लाह के फजल करम से आज उनकी रिटायरमेंट की तकरीब में भी शामिल हूँ। तो उनकी पूरी सर्विस जो है वो हमारी नज़रों के सामने गुजरी है। अब डॉक्टर शबीर कादरी साहब की कुछ तस्वीर यहाँ जाते हुए बनाई जाएंगी और मादर इल्मी को सलाम पेश करते हुए इधर को खड़े हो गए आप इसको हाथ की तरफ करें और डॉक्टर जहार गुलजार साहब फोटोग्राफी करेंगे ऐसे आप इस मादर इल्मी को ये बनाए फोटो बनाए फोटो तस्वीर बनाए जी। डॉक्टर शबीर कादरी साहब डॉक्टर जहार गुलजार साहब तस्वीर बनाएंगे कॉलेज की तरफ अलविदा मादर इल्मी तस्वीर बनाएं दूसरी तरफ से दोबारा इधर खड़े हों सारी तरफ यहाँ खड़े होके इसकी तरफ हाथ करें चले अब बनाएं आप ये बिल्डिंग मेन आनी चाहिए अब बनाएं यहाँ से कुछ जी जी हेलो भी ले रहे बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया। अच्छा एक जरा सारा एक जरा हाथ ऊपर करियो हाँ खिंचो 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 अलविदा अलविदा कादरी साहब शबीर साहब हेलो फिर जी डॉक्टर साहब एक मिनट सर आपको बुला रहे कादरी साहब रजिस्ट्रार साहब अच्छा तस्वीर आपके जो उनके साथ होगी एक जी अस्सलाम वालेकुम बेटा मैं आ रहा हूँ आप कहाँ ऑफिस में कादरी इकट्ठे ने अल्लाह बिचार कादरी अस्सलामुअलैकुम यार ताडे आउन तो पहले भी गल आ नवीन अपना विशाखा यूनिवर्सिटी च इस बंदे ना वो भरा हो रो हो जिहड़ा मैं जानता लेकिन असी भरा बैठा इनके बारे में एक शेर भी था एक शायर ने कहा था ए दोस्त इन धुआं उगलती चिमनियों से पूछ क्या क्या नहीं हुआ है यहाँ कादरी के साथ। लेकिन नहीं अल्लाह ताला ने अपनी हिफ्ज़ो मान रखा है। मैं सर मेरा बड़ा दिल किया मैं अभी अंदर ही मैसेज टाइप करके फिर मैडम है मेरे को रहन दे मैं पूरी किताब लिख सकता किसी ने जो कादरी साहब के लिए तो दो समय बन रहे हैं वो वाकई लेकिन अल्लाह ने बचा वो कहते हैं कि इंसान जी अकल है ना नहीं खाते दो के खाते जी जी शाह साहब आपसे भी तासरात लेने कादरी साहब के बारे में एक दो मिनट में बातें कर दें इनके बारे में जी। कादरी साहब हमारे भी असाज़दा किराम में बड़े बेहतरीन वक्त इन्होंने गुजारा अल्लाह ताला ने अपने मान फेसबुक में आपने पढ़ा होगा वायरल भी हो गया है कि प्रोफेसर असमतुल्लाह खान साहब फरमाया करते थे कि शबीर अहमद कादरी साहब मेरे महबूब शागिर्द हैं जी बिल्कुल बड़े पसंदीदा शागिर्द महबूब साथी भी है जी आइडियल प्यारा इंसान है बिल्कुल बिल्कुल
ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿੱਚੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚੋ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਛੱਪੇ ਕੰਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਮੋਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆਓ ਆਓ ਖਿੱਚੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਨਾਬ ਆਫਤਾਬੇ ਮੈਂ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹਮ ਖੁਸ਼ ਆਮਦਦ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਖੁਰੜਿਆ ਵਾਲਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਖੁਰੜਿਆ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਦਰ ਇਲਮੀ ਕੋ ਇਸ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੇ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ 2020 ਕੋ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਇਨਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲਾਈਵ ਯੇ ਵੋ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਦੀਵਾਰੋਂ ਕੋ ਚੂਮਤਾ ਹੂੰ ਇਨ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਕੋ ਚੂਮਤਾ ਹੂੰ ਇਸ ਮਾਦਰ ਇਲਮੀ ਕੇ ਜ਼ਰਰੋਂ ਕੋ ਚੂਮਤਾ ਹੂੰ ਯਹਾਂ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਕੋ ਸਲਾਮੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਲਗਾਤਾ ਹੂੰ ਯੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੇਂ ਕਹੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੁਝੇ ਆਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਮੁਝੇ ਆਤੀ ਹੈ ਵੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਯਹੀ ਹਵਾ ਔਰ ਫਜ਼ਾ ਮੁਝੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਤੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਉਰਦੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੋ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਜਿਸ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਮਾਜਿਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ਬੀਰ ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬੇਟੇ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਉਨਕੇ ਤਾਸਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਬਤਾਏ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਨਵੀਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਮੇਂ ਅਮਜਦ ਹੁਸੈਨ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲਾਈਵ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਕਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਉਰਦੂ ਡੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਾਂ ਵੋ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸ ਜਾਓ ਵੋ ਬੇਵਫਾ ਸਹੀ ਜਿਸਕੋ ਹੋ ਦਿਨ ਦੀਨ ਓ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਸਕੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੇ ਯੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਕੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਹਮ ਆ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾ ਤੂਨੇ ਤੋ ਹਮ ਤੇਰੇ ਹੈ ਯੇ ਜਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਲੋਹ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਅਬ ਸਿਰਫ ਹਮਾਰੇ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਦਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸੇ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਦਰ ਫਾਰੂਕ ਟਿੱਪੂ ਹਲਕਾਰ ਬਾਬੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਂ ਆਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੇ ਮਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਲਿਆ
मैं वो जो के सर खड़े थे ना उनकी तरह मैं भी जब लिखना शुरू किया ना तो फिर मैंने कहा अब ये मुझे रोक देना चाहिए अब यहीं पे ना कि बस फिर हम अपना कोई प्रोग्राम बना लेंगे। और सच में जिस मौका पे हम पहुँचे हैं तो वो हमने पहले ही लिख दिया था सुबह सुबह। बहरहाल बड़ी खुशी है कि आप कामिल सेहत के साथ रिटायर हुए और अब माशाल्लाह सुकून करेंगे अगर आपको करने दिया गया तो। जी सर, हाफिज अब्दुल खालिक नदीम साहब भी आपको देख रहे हैं, आप सदर PPLA पंजाब और इत्तेहादे साजदा के काबिल ज़िक्र रहनुमा, वो आपको देख रहे हैं। राणा उस्मान खान सब देख रहे हैं। बासत मुमताज़ सैयद साहब सलामत रहें, फूलों का गुलदस्ता पेश कर दिया। माय टीचर माय फ्रेंड कासिम यकूब साहब देख रहे हैं। सलाम कादरी साहब, अमजद हसैन अंसारी, राणा उस्मान खान, सलाम कादरी साहब बहुत बहुत मुबारक। कासिम यकूब साहब सलाम पेश कर रहे हैं। राणा उस्मान खान साहब मेरा भी सलाम कह दें। मोहम्मद अफजल चीमा अल्लाह खुश वकरम रखे। हैदर फारूक देख रहे हैं। ये माजिद मुश्ताक हैं आज की तकरीर के नाज़म और इन्होंने बड़ी अच्छी निज़ामत की, कंडक्ट किया। बार महल मौका पर शेर पड़े ज़बरदस्त डाटा सही था ना साहब। हाँ तो रियाज कादरी साहब अभी आपका जिक्र कर रहे थे राणा उस्मान का। हाँ हाँ और कादरी साहब से बात हुई तो जी राणा उस्मान खान साहब लाइव देख रहे हैं, उनका फोन भी आ गया है। आपका सलाम कादरी साहब तक पहुँच गया है और इंशाल्लाह फोन दे दें कादरी साहब के साथ मिलके एक और प्रोग्राम करेंगे। तो कादरी साहब से बात भी कर लीजिए आप। गुल हसन खावर साहब देख रहे हैं जी लाहौर से, मुमताज़ अदीब शायर दानश्वर नात गो शायर और पे चला रहे नात वर्षा का एडमन है। मोहम्मद अशर साहब देख रहे हैं, मोहम्मद नवीद साहब भी हमें देख रहे हैं। काफ़ी हो गया था, अब तो फिर वही पहली बहाली हो रही है वरना तो काफ़ी फैल गया। जी बहुत शुक्रिया, कोई बात कोई आपके मोहब्बत। मसूद अख्तर साहब देख रहे हैं जी आपको, प्रोफेसर मसूद अख्तर साहब जी चाद पीनी बहुत और वो शेर जरूर चाहिएगा। खाली चाय और साथ केक ना हो।
क्या बात है सर, मेजबान इस कदर भी फेक ना हो, खाली जाए हो और केक ना हो, एक डब्बा हो और टेक ना हो, वाह वाह सिंह मुझसे जी आके कहते हैं एक डब्बा हो और टेक ना हो। आपने बड़ा खूबसूरत मसलू और कलम से भी और दिल से वाली शुक्रिया, और याददाश्त आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बड़े कमाए कमाने तारीखों के साथ, मकामात के साथ, चीज़ों के साथ। तो अख्तर हुसैन रायपुरी जो है ना, अभी आप बीती लिख रहे थे तो बिस्तर अदालत पे थे, 80 के पेटे में थे, तो उन्होंने डिक्टेट करवाई थी बड़ी गर्दे रात, लेकिन आगाज़ में जो शेर लिखा ना कि याद माजी के अभी नक्श बहुत बाकी हैं, हाफिजा दिल की तरह जीत फरामोश नहीं। एक बूढ़ा आदमी अपने बचपन से लेके सर मुकर्रर याद माजी के अभी नक्श बहुत बाकी हैं, हाफिजा दिल की तरह जीत फरामोश नहीं। बहुत अच्छे, ये भी मेरी साहब कलम बर्दाश्त था, यूँ कहें कि स्पॉन्टेनियस फिल्म दी और बर्जस्ता, जो भी आपने देखा कल पढ़ा मत हूँ कहते हैं कि मल्टो सारी उम्र कलम बर्दाश्ता लिखते हैं। और अल्लाह के फजल से ये सर गूगल पे अगर 3 मजमून आपको मिलेंगे ना तो ये उसमें शामिल हो गया है, रियाज कादरी, इजहार गुलजार और एक और शबीर कादरी लिखे, गूगल पे आपको मेरा मजमून सामने आ जाएगा। किताब से रह गया, ये मुझे अफसोस है कि किताब बहुत छोटी थी उसमें से रह गया। नहीं छोटी सर, इंशाल्लाह अरमान की जब तो लेट आया ना ताड़ा। हाँ हाँ, मतलब असी भी आज किताब हर सूरत देनी दे। सही सही सही, तो देखो हो सकता है इसमें ये शामिल हो जाए या किसी और में आ जाए। नदीम अहमद साहब जी, कंग्रेचुलेशंस टू कंप्लीट सर्विस सक्सेसफुली, यू आर ग्रेट मैन, ग्रेट टीचर एंड ऑनेस्ट पर्सन, ये नदीम अहमद साहब आपको कह रहे हैं। नदीम साहब का शुक्रिया अदा करें। राणा समान साहब, माजे साहब को सलाम, माजे साहब को सलाम, सलाम राणा को सलाम के लिए जी, बड़ा अच्छा। अभी फ़ोन आया इनका, अभी इनका कदी साहब से बात भी कराई गई। माजे साहब, डॉक्टर सही साहब, ये सब देख रहे हैं सब, इनको बेशुमार लोग इस वक्त हमारे साथ। जाहद बिलाली साहब भी आ गए जी, जाहद बिलाली, जाहद बिलाली साहब देख रहे हैं। छोटे छोटे दो कोई मामले से लेके जिन्हें मैं जिक्र कर दमीन क्योंकि काम लेकिन मैं हमेशा रिकॉर्ड दूंगा। आखिरी क्लास पहलियां क्लासा में चलो भागो जो मतलब 3:30 बजे वाले पेपर से, वो मेरी अक्सर कोशिश होंगी जी कि प्रोफेसर चार ना ड्यूटी कर, फिर मैं भी नाल पहुंच जाऊँ, वो किसी की ड्यूटी कर लेना या कुछ कर लेना, मैंने कदम भी ये काम नहीं लगे, ये साढ़े एक दूसरे के प्राइज होंगे। बस उमर साहब ने भी ऐसे कर मामला जो कॉलेज गया, मैंने ड्यूटी नहीं सी सर करम मिल गए मनीर अहमद साहब, ग्रेट टीचर, माय फेवरेट टीचर। केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज अमनाबाद आपको देख रहे हैं।